हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन, ठीक है, जीके के 25 महत्वपूर्ण देखने वाले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है। इस बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो सेट नंबर 65 पर रट लो इन सभी क्वेश्चनों को और वीडियो फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। रेगुलर क्लास आ रही है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंक्स के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए आप सभी, पहला क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है गाइस? फर्स्ट का राइट है अरनाकुलम, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे अरनाकुलम, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हम सभी, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ठीक है, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ए करेक्ट है, इसका भी याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी सभी क्या बना है, देखिए इसको, गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था गाइस, यानी गौतम बुद्ध के गुरु इनमें से कौन थे? चार ऑप्शन दे रखिए, बताइए आप सभी लोग गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो थर्ड का राइट यहाँ पर निकल रहा है अलार कलाम, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे अलार कलाम थे गौतम बुद्ध के गुरु, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हम सभी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फोर का राइट यहाँ पर क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति है, ठीक, याद रखेंगे सी करेक्ट है इसका, क्या बृहस्पति। फाइव क्वेश्चन क्या बना है इसका, निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है, भारत के कानूनों को कौन बनाता है गाइस? तो फाइव का राइट आंसर क्या निकल रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, ठीक है, याद रखेंगे ए करेक्ट है, राष्ट्रपति और संसद के दो सदन भारत के कानूनों को बनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ए करेक्ट है इसका। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम मांग का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम मांग का एक उदाहरण है गाइस? सिक्स का राइट है इसका सीमेंट है, ठीक है, इसका बी करेक्ट है सीमेंट, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी बना है। सेवन क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था, कि फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था तो कौन था? सेवन का राइट है अल्बुकर्क, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट क्वेश्चन जानते हैं हम सभी क्या बनना है, देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स एट क्वेश्चन क्या बनना है इसका, देखिए आप सभी, समुद्र में वही वृष्टि भूमि कहलाती है, समुद्र में वही वृष्टि भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप, ठीक है, डी करेक्ट है, प्रायद्वीप कहलाती, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? नवे का राइट यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी, ठीक है, याद रखेंगे ए करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है। टेंथ क्वेश्चन क्या बना आज का, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु गाइस कितनी होती है? 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी, भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? 11 का राइट यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखेंगे ए करेक्ट है इसका, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। 12 क्वेश्चन आज क्या बना है, सितंबर 2016 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुए, सितंबर 2016 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुए? 12 का करेक्ट है चीन में, ठीक है, कहाँ संपन्न हुए? चीन में संपन्न हुए, ए राइट है इसका, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए चीन में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तैमूर लंग के मतलब कि आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज का किस वंश का राज स्थापित हुआ गाइस? 13 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश, ठीक है, क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सैयद वंश का राज का गाइस स्थापना हुई, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 14 का करेक्ट है बहलोल लोधी, ठीक है, सी करेक्ट है, बहलोल लोधी था लोधी वंश का गाइस संस्थापक। 15 क्वेश्चन क्या आज का, देखिए आप सभी, बीजापुर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, बीजापुर के महान साम्राज्य अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो 15 का राइट यहाँ पर क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी
हम्पी में, ठीक है। हम्पी किस राज्य में स्थित है आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। हम्पी किस राज्य में स्थित है गाइस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फटाफट आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और रेगुलर चैनल पे आते रहो गाइस, रेगुलर वीडियो इस चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सभी। देखिए फ्रेंड, 16 क्वेश्चन ऐसा क्या बना, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है गाइस, क्या मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। 16 का राइट यहाँ पर क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। मदुरई में स्थित है, याद रखेंगे मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ठीक है। 17 क्वेश्चन ऐसे क्या बने, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। 17 का राइट यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुबुद्द शाह ने, ठीक है। सी करेक्ट है, कुली कुतुबुद्द शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था कौन था। 18 का राइट यहाँ पर निकला है ऑप्शन नंबर सी, अकबर था, ठीक है। सी करेक्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट गाइस अकबर था, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था गाइस। 19 का राइट यहाँ पर निकल रहा है रायगढ़ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ए करेक्ट है रायगढ़। अगला क्वेश्चन जाने आप सभी क्या बना है, 20 क्वेश्चन ऐसे क्या बना है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है। 22 का राइट यहाँ, सॉरी 20 का राइट यहाँ पर निकल रहा है लखनऊ में, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा गाइस आपका लखनऊ में स्थित है, बी करेक्ट है इसका। 21 क्वेश्चन क्या बना है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो 21 का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने, ठीक है। डी करेक्ट है, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। 22 क्वेश्चन क्या आज का, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय यानी कोलकाता, मद्रास और मुंबई आपके, ठीक है। कोलकाता मद्रास मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई, भारत में तीन विश्वविद्यालय का इस तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1857 में हुई थी, ठीक है। ए करेक्ट है, 1857 में। 23 क्वेश्चन है ऐसे क्या है, देखिए आप सभी, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई, समवर्ती सूची जो गाइस भारतीय संविधान में किसके संविधान से ली गई है। 23 का राइट इसका निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। डी करेक्ट है, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची ली गई। 25 क्वेश्चन क्या है, सॉरी 24 क्वेश्चन क्या है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है, ठीक है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है गाइस, तो गाइस ये विद्युत से संबंधित है, इसका सी करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक। किससे संबंधित है, एनटीपीसी जो गाइस एक क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन जानिए आप सभी क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो 25 का राइट है इसका ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हो जाता है आपका क्या, नील नदी है, ठीक है। तो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।